कुल्लू जिला में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग कुल्लू द्वारा कुल्लू शहर में सब्जियों की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण के दौरान 15 सब्जी विक्रेता सब्जियों की खरीद के बिल प्रस्तुत नहीं कर पाए तथा कुछ दुकानों पर सब्जियों के ज्यादा मूल्य वसूलने के मामले भी सामने आए। उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग ने कहा कि कुल्लू जिला में खाद्य वस्तु के दाम में ओवर चार्जेस न हो इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें 1.5 लाख रुपए की सब्जियां जब्त की गई। उन्होंने कहा कि आपदा में लोग खाद्य वस्तु के दामों में बढ़ोतरी ना करें, इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निरीक्षण के लिए उचित निर्देश दिए गए हैं। ये बेसिकली कहीं पे भी इस समय पर ओवर चार्जिंग किसी तरह की ना करी जाए, इस दृष्टि से ये खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा कुछ चालान किए गए हैं और ये उम्मीद है कि इनसे थोड़ा डिटरेंट इफेक्ट जो है वो लोगों में रहेगा और ओवर चार्जिंग के इंसिडेंट्स जो हैं वो सामने नहीं आएंगे। लगभग 1.5 लाख के करीब का ये सामान जो है इन्होंने जब्त किया है और ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी करी जाएगी अगर इस तरह के इंसिडेंट्स और देखने को मिलते हैं।